जय माता लक्ष्मी की, जय विष्णु भगवान की, जय शंकर भगवान की। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की पल भर में किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं नमक के ये उपाय। बहुत ही शुभ उपाय हैं, बहुत ही चमत्कारी कहे जाने वाले उपाय हैं, घरेलू उपाय। नमक का उपाय मालामाल कर देगा आपको, माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। कुछ खास उपाय आपको बताएंगे नमक से, जैसे हम माता लक्ष्मी को अति शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं और बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे। चुपचाप कर लेने हैं उपाय, किसी को नहीं बताना है, घर में उपाय करने हैं। सारी जानकारियां जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, सभी लोग अवश्य देखें। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप गरीब हैं, पैसों की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य नहीं बन रहे हैं, तो एक बार अंत तक देख लें इस वीडियो को। चलिए वीडियो को जानते हैं, आखिर क्या है वीडियो में राज। गुरु जी ने बताई है क्या जानकारियाँ, नई जानकारियाँ, नए चमत्कार। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ऐसे ही भक्ति ज्ञान की अचूक उपाय बातें पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लिख दे कमेंट बॉक्स पर सच्चे मन से जय हो माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी सभी के धन भंडार भरे रखे, यही विनती है माता रानी से। कई बार व्यक्ति ऐसे संकटों में फंस जाता है जहाँ से निकलना पूरी तरह असंभव हो जाता है। इस स्थिति में कुछ बहुत ही आसान से उपाय करके व्यक्ति अपने संकटों से मुक्त हो सकता है। ये उपाय करने में जितने सरल और आसान हैं, इनका असर भी उतना ही जल्दी होता है। नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर की किचन में आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता है। यदि ज्योतिष और शास्त्र की बात की जाए तो नमक के कई उपाय से बताए गए हैं। ये सभी उपाय पूरी तरह से अचूक हैं और करते ही तुरंत फायदा पहुंचाते हैं। जानिए नमक कैसे कुछ खास उपाय। पहली जानकारी, क्या करना है उपाय, जान ले वीडियो, देख ले पूरा वीडियो, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लिख दें जय माता लक्ष्मी की। आर्थिक संकट दूर करने के लिए ये उपाय कर ले। कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को मन चाहे पैसे नहीं मिल पाते हैं और वह आर्थिक संकटों से गिर जाता है। इस आप सिचुएशन में एक कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैत कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। ध्यान दें, इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। जी हाँ, प्रत्येक 15 दिन में एक बार गिलास से भरा नमक मिला पानी बदलते रहें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगेंगे और पैसा आने लगेगा। घर में है कलेश झगड़े तो इन्हें कैसे समाप्त कर सकते हैं इस नमक के उपाय से। इसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि आप अपने घर में रोजाना सेंधा नमक मिले पानी का पोंछा लगाएं। इसके बाद अपने बेडरूम में सेंधा नमक की एक डली रख दें और प्रत्येक 15 दिन में इसे बदलते रहें। इससे पति पत्नी में कभी कलेश नहीं होगा और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अब जानते हैं कि अगर आप बीमारियों से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, अगर बीमारी सही नहीं हो पा रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, कई सारी समस्याएं बाधाएं बनी हुई हैं, तो ये उपाय कर लेना। यदि सभी तरह के इलाज लेने के बाद भी मरीज सही नहीं हो रहा है और लगातार उसका रोग बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे मरीज के सिरहाने पर एक कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक भर कर रख देना चाहिए। रोजाना सुबह इस नमक को किसी गंदे नाले में फेंक दें और फिर से नया नमक भर कर रख दें। ये उपाय जरूर आप कर सकते हैं। मन की बेचैनी को दूर करने के लिए करें उपाय। आपका मन स्थायी नहीं रहता है, ज़्यादातर इधर उधर की बातें हमेशा हमारे दिमाग पर चलती रहती हैं। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में घिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक मुट्ठी हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिरा दें, मतलब उतारा कर लें 7 बार और फिर उसे वाश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दें। यानी कि आप जहां आपके पास अगर नल है तो नल पर ही इसे बहा दें और वहां पर पानी चला दें। कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी और शीघ्र ही आपके दिमाग पर राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नमक के ऐसे ऐसे हैं उपाय इस वीडियो के अंदर कि
कि खत्म कर देंगे तंगी, पति पत्नी में बढ़ेगा प्यार और दूर होगी दरिद्रता, कई सारी समस्याएं खत्म होंगी। हर कोई जीवन में पैसा और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता है, इसके लिए व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, सुबह के समय योग से लेकर वर्कआउट करता है। इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी कुछ लोग पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, घर में कलह और दरिद्रता छाई रहती है। इसकी वजह भाग्य का साथ न देना और वास्तु दोष भी हो सकता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप नमक के उपाय कर सकते हैं। नमक के उपाय खाने में स्वाद घोलने के साथ ही आपके जीवन में आ रही परेशानियों को भी खत्म कर देंगे। जी हाँ, देख लें पूरा वीडियो। ज्योतिषचार के अनुसार ज्योतिष में नमक का बहुत ही अलग महत्व दिया गया है। इसका उपाय रोग दोष को दूर करने के साथ ही बुरी नज़र को हटाना, इसके उपाय घर में संपन्नता बढ़ाते हैं। इन उपायों को करने से वास्तु दोष से लेकर ग्रह दोष तक दूर हो जाते हैं। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं तो नमक के ये उपाय जरूर आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जो हमारे जीवन में कई तरह के संकटों को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और सच्चे मन से जरूर लिख दें जय माता लक्ष्मी की। घर से दूर होती है नकारात्मक शक्तियाँ। आपको करना है क्या? अगर आपके घर में नकारात्मकता हावी है, इसकी वजह से घर व्यक्ति की सोचने की समझने की शक्ति को प्रभावित होती है। मन हमेशा दुखी और गंदे विचार आते जाते रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए पानी में एक चुटकी नमक डाल लें। इस पानी से पोंछा लगाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से कहा जाता है घर से नकारात्मकता खत्म होने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का शीघ्र प्रवेश माना जाता है। दूर हो जाएगी पैसों से जुड़ी तंगी। खूब पैसा कमाने के बाद भी घर में तंगी बनी रहती है, धन नहीं रुकता है, दरिद्रता रहती है, तो नमक का यह उपाय बेहद लाभदायक हो सकता है। इसके लिए नमक को कांच की एक प्याली में भरकर उसमें 4 से 5 लौंग डालकर रख दें। ऐसा करने से घर की बरकत बढ़ेगी, दरिद्रता खत्म होने के साथ ही रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, पति पत्नी में बढ़ेगा प्यार। कर लें ये उपाय। आपसी घरेलू झगड़े, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े या तनाव रहता है, इसकी वजह वास्तु दोष हो सकती है। ग्रह नक्षत्र और कुंडली में दोष भी इसका कारण होते हैं। अगर इसे आप भी परेशान हैं इस चीज़ से तो नमक का ये उपाय जरूर कर लें, इसको खत्म कर देगा। इसके लिए सिर्फ एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम में रख दें। इसे कमरे में मौजूद क्या होता है, इससे कमरे में मौजूद नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होने के साथ ही आपस में प्यार बढ़ेगा। बुरी नज़र का है इलाज नमक का यह उपाय। नमक का यह उपाय बुरी नज़र का बेहद खास इलाज करता है। घर में आपके छोटे बच्चों को नज़र आप लग गई है, हमेशा वो रोते हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें स्नान कराते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। इस उपाय को चुपचाप करें। ऐसा करते ही बच्चे की बुरी नज़र दूर हो जाएगी और बच्चा खिलखिला उठेगा। दोस्तों, ये सभी ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं नमक के, बहुत ही आपके लिए शुभ है। लेकिन हम आप तो बता दें कि सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, देखिए नमक भी कई प्रकार के होते हैं, काला नमक, सामान्य नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है नमक को सिर्फ कांच के पात्र पर, कटोरी पर किसी रखना चाहिए, यह बुरा असर नहीं देता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। जी हाँ, ये दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं। जब भी
जब भी आप भोजन पकाएं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखना चाहिए। बहुत नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ हम मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति आपसे नमक मांग रहा है, नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध भी खराब हो सकते हैं। ध्यान रखें कि भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इस बात का सभी माताएं बहनें अवश्य ध्यान रखें। यदि रहना है सुखी तो कर लेंगे उपाय, माँ की होगी कृपा। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक बिल्कुल भी न खाइए, देखिए, और उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हैं और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती, इससे माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग शीघ्र ही खुल जाता है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु कल्याण उपाय। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के कोने में रख दें। उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक भरकर पानी भर दें। आपको ये उपाय जरूर करने हैं और बहुत चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, आप जरूर करें। वास्तु दोष कैसे मिटाएं नमक से? जी हाँ, मिला जुला वास्तु दोष है तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता भय चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वाश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। कैसा उपाय? नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक, माता लक्ष्मी की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत बनी रहती है। इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहती है, वहीं इस उपाय से आपको कई सारे चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। ग्रह कलेश से बचने हेतु यदि आप पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है, झगड़े चल रहे हैं तो ग्रह कलेश है, या किसी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा अपने शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इससे कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जा शीघ्र ही खत्म होती है। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा हमें रख देना चाहिए। तो नमक के कुछ खास जुड़े उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। आप इन उपायों को आजमा सकते हैं और पूरी तरह से इन उपायों को कर सकते हैं। बिना पैसे के उपाय घरेलू उपाय है। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसी ही ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स पर सच्चे दिल से जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के कष्ट दूर करें, यही विनती है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की।